कि अगर 7 तारीख तक एक्सटेंड हुआ है तो पता ही होगा, गोल्डी भाई ने कुछ बोला था। वन मंथ एक्सटेंड हुआ क्या भैया जी? देखिए आज तारीख क्या है। हेलो बाबा, आज तारीख है 1, ठीक है, और 1 तारीख को फूल डे मनाया जाता है, तो लोग फूल डे मना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होने के कारण इन गेम क्वालिफायर्स भी पोस्टपोन होगा क्या? वही तो मैंने बोला ना, इन गेम क्वालिफायर्स मेरे हिसाब से पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि अगर 7 तारीख को नहीं, 7 दिन एक्सटेंड हुआ है ना, हाँ तो 7 तारीख ही होगा, मतलब क्या, कौन सा लॉजिक है ये? हाँ तो 7 तारीख तक अगर हुआ है, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर 7 तारीख तक एक्सटेंड हुआ है तो 8 तारीख को तो ऑब्वियसली तुम्हारा इन गेम क्वालिफायर्स नहीं स्टार्ट हो सकता, जस्ट बिकॉज तब तक सारी डिटेल्स एंड बाकी सारी चीज़ें उनके पास खुद भी नहीं आई होंगी, तो आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा कि इन गेम जो क्वालिफायर्स है वो कब से होने वाला है। 8 तारीख से तो नहीं होगा, इतना तो मेरा कॉमन सेंस कहता है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, वो आपको मिल जाएगा, उसका इशू मत लो। BGIS कब से शुरू हो रहा है? बस 3 दिन टू गो बॉयज, एक्साइटमेंट ऑन टॉप। ग्रुप रिवील कब होगा? मेरे हिसाब से तो आज कल परसों 3 ही दिन है, अब इस 3 दिन में कब रिवील होगा ये तो क्राफ्टन को ही पता है, इसके बारे में हम क्या बताएं यार। वो ठीक है, अपन आते रहेंगे। अभी मैं एक्चुअली कहीं बाहर गया था, आप लोगों को तो पता ही होगा, गोल्डी भाई ने कुछ बोला था, तो स्टे ट्यून्ड व्हाट एवर इट इज, क्योंकि मैं इसमें हाँ ना नहीं करने वाला। 4 डेज का ही रहेगा, ठीक है, 4 डेज का ही ये रहने वाला है। 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 12 मैचेस हो चुके हैं, मतलब पहले 30 मैच थे और अब होंगे 24 मैचेस, ठीक है। तो अभी भाई जो टीम चल रही है टॉप, सबको पता है भाई ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अलग ही कल खेल रही थी लेवल,